हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस टाइम एजुकेशन। आज गोटे इम्पोर्टेंट वीडियो पे डिस्कशन करवा जमी आप अपकमिंग ओडिशा सेक्रेटेरिएट एसओ आसवाक जाए डिस्कशन करवा कारण जो नोटिफिकेशन आसव से जी आप कौन सी चैनल देखिए कि ए बुक प्रिपेरेसन करूँ या पढ़ू से पढ़ू तो सिलेक्शन के तेणु प्रिपेरेसन देखो मुझको आउ बहुत पिला डाउट अच्छे क्लीअर करदे चाहिए। बहुत पिला अच्छा ओडिशा रे विचक्षण सब छुआ अच्छा सी कह कि नोटिफिकेशन तो आसवे ना आम पढ़ा कहीं गोटे इम्पोर्टेन्ट जिनस माइंड रहा बट से देखिए अन्य एग्जाम जमी रेलवे एग्जाम होगा जो गोटे चार वर्ष भी आसूरी बट से भी गोटे वर्ष आगे प्रिपेरेसन होती आने कौन सेमती आप स्टाफ सिलेक्शन कमिशन होगा अन्य कौन से एग्जाम जोटा प्रति वर्ष एग्जाम कै तो से कौन है सपोज 2019-20 स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एग्जाम एवं आप सरीगला पिला कौन कर पिला 2020 लगि पड़ुं कारण 2020 जानते 2021 आप स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आप एग्जाम हम तेणु कौ मैंने भी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हो 2 मास 3 मास क्लीयर करना बहुत रेयर देखिए जी 3 मास क्लीयर कर बहुत रेयर ओके तो बट ओडिशा पिला कौन हो आम तो नोटिफिकेशन आसवे ना प्रिपेरेसन कहीं हम बुझिपाले बैचान्स जब नोटिफिकेशन आसला तो कौन हम ना तापर आप लगि पड़े ये सब फर्म फिलअप आप 500 टाँग बर्बाद हम 500 टाँग फर्म फिलअप करेंगे सिलेक्शन तादी आप 200-300 पिला हे बट 1-2 लाख पिला अप्लाई करेंगे तो जदि से 1-2 लाख पिलूर आप कहीं निजे सिलेक्शन न ने मोर गोटे इम्पोर्टेंट जिन तेणु आप जानते ये सब नोटिफिकेशन मुझको ग्यारंटी देती 200% आसो मुझक 7 मास आगुरी कहूँ बट जो चैनल फेक अच्छे से प्रिपेरेसन हो सारे एबू स्टार्ट कले आने देखिए सिलेक्शन से मैं हम बोर्ड जो जो मान खामख्याल गुण अच्छे हे आस ये सब फेक भिड करें ये करेनि तो से भिड नुहे बुझेगा तो ये जिनस तो आप जानते ये सब जेहतु आसो तो प्रिपेरेसन कारण आप मिनिमम मुझे आप हैंड 7-8 मंथ्स पाखापाखि आप भितर आपको कोर्स सारिकी ए सोर स्टेज सीरीज देखिए प्रिपेरेसन होगा आपको 7 मंथ्स पलि भी जापर एंड आप एमती भावतुनि कि प्रिवियस इयर जहाँ भी क्वेश्चन आसी एथर से ही टाइप क्वेश्चन आसो सेमती किसी भी ना ये स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एग्जाम नुहे कि आप रेलवे एग्जाम नुहे प्रिवियस इयर क्वेश्चन करदे आपको से ही जिन पलती के हुए एमती है भाविले मूर्खामी आपंकर करेंगे ओके ओडिशा तार डिफिकल्ट लेवल सब चेंज करता है तेणु प्रिपेरेसन बेसिक्रु आप स्ट्रंग करते आज ओके तो चलतु आज मुझे 3 जिन डिस्कसन करी वीडियो लंबा हो पाए जदि आप इंटरेस्ट अच्छे देखते ना आप स्किप कर दिखाँ डिसलैक् करी जापारती मुझे आपको फास्ट आप डिस्कसन करी बुक लिस्ट विषय जो पिला बहुत इंपोर्टेंट कि ए सरी बुक लिस्ट ए कह जो मैंने सेल्फ स्टडी कर इंटरेस्ट नहीं कि कोचिंग जावाई तो सेल्फ स्टडी एंड आउ गोटे पिला होती कोचिंग मुझे 3 आस्पेक्ट को लेकिन आई विल गो थ्रू दैट ओके तो फास्ट आई विल डिस्कस अबाउट बुक लिस्ट देन आई विल गो टू सेल्फ स्टडी देन आई विल गो टू कोचिंग बुझिपाल मुझे 3 स्टडी एक्सेप्ट करुच्छे फास्ट मुझे आपको बुक लिस्ट विषय में कौन जो मैंने सेल्फ स्टडी करा चाहते एंड सेल्फ स्टडी भी डिफरेन्ट डिफरेन्ट आस्पेक्ट अच्छे बुझिपाले एमती किसी ना कि आप बहुत लोग कौन सा सेल्फ स्टडी पिला क्लीयर कर 100-100% पिला सेल्फ स्टडी भी क्लीयर कर बट तक रेसीो आप देखिए बहुत कम ओके सेल्फ स्टडी कौन मैंने क्लीयर करते जो मैंने अलरेडी एग्जाम विषय में जानते सब पाठ विषय सब जानते तो सेल्फ स्टडी करेंगे कारण अलरेडी एग्जाम आगुरी देते तो 20 थर कोचिंग नहीं किसी लाभ ना तेना जस्ट खाली से गो थ्रू हे बुक जहाँ भी परचेज अच्छी करेंगे आउ थे गो थ्रू हो बट जो मैंने ए सर नुआ नुआ दौरान सेल्फ स्टडी कले कौन कहे से सिलेक्शन रेसीो बहुत कम मुझे रेसीो बहुत कम तो जो मैंने बेसिक्रु हो मुझे आपको कहि फास्ट कोचिंग जॉइन करूँ बेसिक विषय सब जानतु 2000-3000 रुपीज आप बहुत बड़ा हेनी कारण आप भविष्य में जब सिलेक्शन होगा आप 60-70000 सालरी पाइबे तो आप किसी कंट्रब्यूट करेंगे ना आपको कमी कौन से जिन मिले चलते फास्ट आम डिस्कसन करवा बुक लिस्ट ओके देखो फास्ट मुझे आपंकर गोटे गोटे जेनेल नलेज भी डिस्कसन करी मैथमेटिक्स जी इंग्लीश जी आपर जहाँ भी हम जी देखो आपखे जेनेल नलेज मुझे फास्ट डिस्कसन करुच्ची जेनेल ओके जेनेलर आवारनेस देखो मुझक लगभग कौच आपखे 7-8 मंथ्स पाखापाखि 7-8 मंथ्स 8-9 मंथ्स धरतु ये पाखापाखि टाइम आपंकर अच्छे एग्जाम हाँ आर भितर ही आपको मंथ्स भितर आप 100-100% एग्जाम देखा तो जेनेल अवेयरनेस केमी आप कारण जो मैंने स्टार्ट कर 7-8 मंथ्स 8-9 मंथ्स एक्सपेक्ट को आगे रखिक आप प्रिपेरेसन करुँ तो आम जेनेल अवेयरनेस टॉपिक जहाँ भी अच्छी मुझे डिस्कसन कर दूसरी कहीं सब किसी सिलेबस आप एक्सट्रा अच्छी आपको पढ़ाक पड़ो पूरा डिटेल
जमी आप इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स अच्छी आप कंप्लीटली डिटेल पढ़ाई पड़ो सेमती ना कि गो थ्रू कौन बही लिखा अच्छी गोटा ए सर बुक नहीं आई लिखा है इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट सेमती हुए नहीं भी आपको बहुत जिन शिखा को पड़ो ओके मुझ बहुत पाला ये कह देखु फास्ट हूँ हिस्ट्री मुझे खाली बुक एवं कौच देखो हिस्ट्री हिस्ट्री आप कौन करेंगे आपंकर जेहेतु आप सेवेन टू एट मंथ अच्छी मुझे कहबी एनसीईआरटी पढ़ु निहाती पढ़ु एनसीईआरटी क्लास सिक्स रु स्टार्ट करूँ ता सहित आपको पारालाल वाइज जेकोसी एक्जाम आपंकर लुसेंट अच्छी कारण मुझे एस ओपाई कौन एस ओपीएससी कहूनी कारण जो मैंने ओपीएससी 2022 रो टारगेट रखते 2022 से मत कमेंट सेक्शन कहते हैं भी मुझे बुक कह बटे केवल एसओ बट आप खाली एसओ नुंतु कि लुसेंट पढ़े पलि एसओ आपको 100 हाँ क्वेश्चन करेंगे बट 100 रु आपर मिनिमम कर 50-60% क्वेश्चन करेंगे लुसेंट रु ओके मिनिमम 50% करेंगे बट 50% आपेंगे आपको डीपली नलेज दरकार आप प्रिवियस क्वेश्चन उठाई देखते एंड लुसेंट बुक भी देखते कैसे क्वेश्चन आसी तारीख मुझ प्रिवियस कथ कौन तो एनसीईआरटी भी पढ़ु एनसीईआरटी क्लास सिक्स रु क्लास टेन हिस्ट्री जाए पढ़ु भल कि पढ़ु जदि आप एनसीईआरटी क्लास सिक्स पढ़ुंट एनसीईआरटी ना गोटे काम करेंगे एंड तुम आपको लुसेंट पढ़ु आप मनोहर पांडे जो मैंने पढ़ुंत कौन जो मैंने जीएस पढ़ुंत से बुक भी पढ़े एंड आप गोटे काम करेंगे एनसीईआरटी ना एनसीईआरटी आप केवल एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ीपर बुझिपाले एंड तमिलनाडु हिस्ट्री बुक गोटे आसिलनाडु हिस्ट्री बुक जहाँ पाखे अच्छे तो बहुत बढ़िया तादर आपर मिडिबुल बहुत बढ़िया कि दिखाई मिडिबुल आईएस लोक मैंने आईएस पिला जिनस पढ़ते मिडिबुल हिस्ट्री ओके एत सुंदर कि मिडिबुल हिस्ट्री दिखाई जदि आप देखिए साउथ इंडियान डिनेस्टी जमी आप चोल डिनेस्टी होगा पल्लव डिनेस्टी होगा कार्तिकेयन डिनेस्टी होगा आप मैंने लगे कि आप चोल डिनेस्टी किए करती आपको कहे चोल डिनेस्टी मुझे आपको कहि जी विजयालय ओके विजयालय ना विषय कहि विजयालय आप गोटे दुर्गा मंदिर तैयारी करते कौन कौन उपाधि देते हैं आदित्य राय वन अच्छी चोल डिनेस्टी एत बढ़िया कि मिडिबुल हिस्ट्री जब आप पढ़े बहुत सुंदर लगे आपको पढ़ापी एंड आपको बोरींग भी लगे हिस्ट्री आप मजा लगे हिस्ट्री पढ़ाक ओके तो ये हूँ मिडिबुल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री आप एनसीईआरटी पढ़ीपारे ना मॉडर्न हिस्ट्री आप लुसेंट जब अच्छी आप पढ़ी गो थ्रू हो पारे बट मॉडर्न हिस्ट्री किसी इंपोर्टेंट टॉपिक होगा जमी आंग्लो मैसूर होगा वाडिया डिनेस्टी विषय होगा टिप्पू सुल्तान विषय होगा हैदर अली होगा आपको पलासी युद्ध होगा किसी इंपोर्टेंट टॉपिक तक आप मॉडर्न हिस्ट्री लुसेंट भी एत डिटेल देनी बट हाँ ठीक ठाक अच्छे आप पढ़ी पारे एएसओ ओके तो हिस्ट्री पे एनसीईआरटी पढ़ु ना बहुत असुविधा हे जो मैंने आप देखते लुसेंट पढ़ा गाले की रही है छाड़ू मुझे लुसेंट पढ़ी बट जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी लुसेंट पढ़ते सिलेक्शन तरह आप घर बस पुणी आउ के चान्स आसवे एसओ ओके टाइम अच्छी टाइम वेस्ट करूँ पढ़ु बुझिपाले ये हिस्ट्री पर आसमें कौन गोटे टपिक हिस्ट्री पर आस जियोग्राफी सेम जिन मुझे एनसीईआरटी बेसिक बारंबार कहूनी जेकोस टपिक कह एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी क्लास सिक्स रु क्लास टेन तापर आपर जेकोसी बुक अच्छी लुसेंस सेम जिन लेसिक एंड बेसिकली आपर इंडियान जियोग्राफी करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी किसी स्पेसीफिक टपिक वर्ल्ड जियोग्राफी किसी स्पेसीफिक टपिक आप करेंगे रिवर होगा माउंटेन होगा आईलैंड होगा वोल्केनिक एक्टिविटी किसी इंपोर्टेंट टपिक अच्छे जो द्वारा आप सिलेक्शन करेंगे एमती वर्ल्ड जियोग्राफी बसिक धरिकी पूरा एशिया कंटिनेंट हाँ पढ़ी पारे एशिया कंटिनेंट कारण आप सेवेन टू एट मंथ अच्छी एशिया विभिन्न प्रकार कंटिनेंट विषय भी जाना दरकार सी भी इंपोर्टेंट बट सेटा एनसीईआरटी आपंकर लुसेंट आउ थे पढ़ा दरकार ना लुसेंट आप कौन करेंगे रिविजन करके अलग टपिक पढ़ी पारे बट ये जो एशियान कंटिनेंट सब एनसीईआरटी कवर हो दस थोड़ा कौन पढ़ा दरकार बुझेगा बट पढ़ा दरकार किसी ना जियोग्राफी जियोग्राफी पर आसा पॉलिटी पॉलिटी तो ए टू जेड पढ़े एनसीईआरटी तो पढ़ा कथा पढ़े ना आप लक्ष्मीकांत पढ़ु बेटर लक्ष्मीकांत पढ़ु आपको मुझे रेफर करी एसओ लुसेंट ओके मुझे रेफर करें बट पढ़ी पारे बट मत लगे बेस्ट हूँ लक्ष्मीकांत पढ़ु बहुत टाइम अच्छे आप लक्ष्मीकांत पढ़ी पारे लक्ष्मीकांत आपको वन मंथ लगे जब आप ठीक ठाक पढ़े कंप्लीट करने बुझिपाले जब ठीक ठाक पढ़ुंत पार्ट पार्ट व्वज पढ़ु जब आप इंटरेस्ट ना तो लुसेंट पढ़ु बट मो हिसाब से मुझे आपको कहि 100% लक्ष्मीकांत पढ़ु एनसीईआरटी जब न पढ़ुंत भी न पढ़ु बट लुसेंट अपेक्षा लक्ष्मीकांत बेटर जब आप ना बुक लुसेंट पढ़ु किसी असुविधा ना सेमती किसी असुविधा ना कि क्वेश्चन से आपको आसो से ही राष्ट्रपति आसो पढ़ु ओके बट मो हिसाब से मो हिसाब से बुक कौन मुझे तापर इकोनोमिक्स इकोनोमिक्स आपके भी रमेश सिंह कहबी सिंपल लुसेंटर गोटे इकोनोमिक्स आपरेट बही लुसेंटर गोटे इकोनोमिक्स आ सेपरेट बही पढ़ीपारे मोर दैन सफिसीयंट सी होती ओके इकोनोमिक्स लगभग आप दुटा एंड बेसिक इकोनोमिक्स आप करेंट अफेयर्स पचाए करेंट अफेयर्स इकोनोमिक्स पचाए बट ये बेसिकली आप माइक्रो इकोनोमिक्स एंड माइक्रो ओके ये दुटा एंड आप जो पंचायतराज सिस्टम सरी आप अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट होगा इंपोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो आप अच्छी सिलेबस तो आपको आसी नोटिफिकेशन में से ही जिन सिलेबस ही रहा एक्सट्रा किसी रही जब आड हो पारे किसी जिन आड हो पारे ना एक्सट्रा किसी मैंने एत किसी आप गैप रही तो
इकोनोमिक्स रिसेंट पढ़ीपारे ना इकोनोमिक्स इकोनोमिक्स टाइम्स आप पढ़ीपारे करेंट अफेयर्स जो इकोनोमिक्स अच्छी प्रतिदिन रिविजन करते ओके प्रतिदिन रिविजन करूँ जितक इकोनोमिक्स करेंट अफेयर्स आ चार्ट सब्जेक्ट मुझे कहीदेल तापर आप रहा आप आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर तो नितिन सिंघानिया मस्ट कौन पढ़े नितिन सिंघानिया नितिन सिंघानिया मस्ट ओके जदि नितिन सिंघान ना तो श्रीराम आईएस रोटे नोट आर्ट एंड कल्चर ताकि भी परचेज करके पढ़ीपारे आर्ट एंड कल्चर कारण आर्ट एंड कल्चर मिनिमम चार्टू पांचटा क्वेश्चन देखा पाइबे से ही पारे आपन मिडिल आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर आप किसी भी पचारि पारे आर्ट एंड कल्चर ओके तो नितिन सिंघानिया बुक आप निहाती पढ़ा दरकार ये सब मुँह तो कहूँ सिंपल ये सब 100% नितिन सिंघानिया बुक पढ़ु आठ बाहर क्वेश्चन केवे भी आसवन जदि ना तो श्रीराम आईएस गोटे नोट आस नितिन से आपर आर्ट एंड कल्चर ताको पढ़ी पारे जो दुटा बुक प्रिफर करे मुझे निजे दुटा बुक पढ़ी नितिन सिंघानिया कंप्लीट सारी श्रीराम आएस सारी आउ गए शंकर आएस भी सारी ओके आपको दुकान है शंकर आएस जब आप श्रीराम आएस पढ़ुंट तो बेटर शंकर आएस करा दुकान मुझे तीन चार्ट बही सारी आर्ट एंड कल्चर बुझेगा तो आप नितिन सिंघानिया जदि पढ़ुंट श्रीराम आएस दरकार ना जदि नितिन सिंघानिया बही कूना तो श्रीराम आएस बही कूँ तापर आप आसा जेनेल सैंस आपाई किसी एत इंपोर्टा दबा ना जेनेल सैंस आप जो लुसेंटर जो जेनेल सैंस बही आस मोर दैन सफिसीय लुसेंटर गोटे सेपरेट आप जेनेल सैंस बही आसे लुसेंटर जेनेल सैंस गोटे बही आस मोर दैन सफिसीय बुझे मोर दैन सफिसीय ताकि भी आप पढ़ीपारे लुसेंटर जेनेल सैंस जेनेल सैंस में एते किसी ना बट बेसी टी फोकस करेंगे बायोलोजी ओके बायोलोजी पर बट ठीक अच्छे लुसेंट जेनेल सैंस है सफिसीय आउ जो टपिक रहा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एनवायरमेंट इकोलॉजी आपको एनसीआरटी पढ़ाई पड़ो 100% बेसिक एनसीआरटी बुझा पड़ो एनसीआरटी क्लास 6 11 टू सॉरी आप 10 11 12 आप एनवायरमेंट टॉपिक्स ताको पढ़ा पड़ो नहले नुहे आ सहित आपको विभिन्न जेकोसी नोट पाँच आप क्लास नोट कौटी कोचिंग नौकर सी जो कौन से एनवायरमेंट नोट दौरान ताकि भी आपको पढ़ा पड़ो आप एनसीआरटी तो पढ़ा पड़ो बुझेगा ये हूँ एनवायरमेंट टॉपिक एति टॉपिक सरला एति कहूँ इंपोर्टेंट एवं पढ़ु जिते बेल आप नोटिफिकेशन आसे आउ कौन एक्स्ट्रा सिलेबस जना पड़ो बट ये तो आप स्ट्राटिक सिलेबस आठ क्वेश्चन बाहर को आसवे एंड जमी आप करेंट अफेयर्स एंड स्ट्राटेजी के पढ़ुंत करेंट अफेयर्स स्ट्राटेजी तो पढ़ी चली थी ओके जनवरी टू करेंट अफेयर्स पढ़ा स्टार्ट कर दिखाँ स्ट्राटेजी के तो डेली आप दुटा पढ़ु जब आप स्ट्राटेजी के मिनिमम आप 40-50 थी मिनिमम ओके तो आपको गोटे मंथ जब प्रतिदिन आप दुटा पढ़ुंट तो ये हम जब प्रतिदिन गोटे गोटे पढ़ुंत आपके टाइम अच्छी आप टू मंथ्स में आपको 60 आप स्ट्राटेजी के पार्ट सारी पारे किसी असुविधा ना आपको जेन भी पढ़ुते से पढ़े एवं आसते आप मैथमेटिक्स मैथ्रे आप टॉपिक अच्छी कौन आरिथमेटिक एंड आप एडवांस आपर अच्छी प्रोबेबिलिटी आपर स्ट्राटेजी सॉरी आपको स्ट्राटेजी अच्छी स्टैटिस्टिक्स बुझिपाले तो आरिथमेटिक आपर जेकोसी आप स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एसएससी रुक आणिक प्रिवियस क्वेश्चन लगे पारे कि ना जदि आप बेसिक स्ट्रंग अच्छी जदि आप बेसिक स्ट्रंग ना तो आप फास्ट बेसिक स्ट्रंग करूँ बुक आनी परचेज करूँ एसएससी रेकोसी बुक आप परचेज करें एसएससी चाहे आरिथमेटिक ना आडभांस बट फास्ट जहाँ बेसिक स्ट्रंग अच्छे किसी टेनसन ना से डायरेक्ट एसएससी जदि बुक आगु भी करें टेनसन ना जदि ना तो बेसिक जो मैंने नुआ नुआ जानूंत तो बेसिक फास्ट आप स्ट्रंग करूँ आप बुक तो निहाती किनवा दरकार प्रोबेबिलिटी आपण जेकोसी पढ़ीपारे जेकोसी आप यूट्यूब चैनल पढ़ीपारे कौन करेंगे प्रोबेबिलिटी बट हाँ यूट्यूब चैनल आप पढ़े आप जनरल जनरल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखिए जो गुड़ा क्वेश्चन बैंक आसव एवं आप ओएमसी एग्जाम देखिए ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड लेवल पचारा जोटा कि कोई यूट्यूब भी आपको तेणु जदि आप पढ़ुं यूट्यूब पढ़ु ना आप प्रोबेबिलिटी जो आरिथमेटिक्स सेक्शन में प्रोबेबिलिटी सेक्शन थी आप सब जेकोसी बुक में पढ़ीपारे स्टैटिस्टिक्स भी आपको सेमती एंड आउ गए टॉपिक रहा मैट्रिक्स ए आई थी तो मैट्रिक्स आप जेकोसी जगह पढ़ीपारे बुक आप कौन स्पेसीफिक बुक ही ना आप एसर प्रिवियस क्वेश्चन बुक आनी पारे तेज़ मैट्रिक्स थी एंड बहुत पहले एसर भी क्वेश्चन आनंद प्रिवियस एस जो बुक बाहर तो आने मैट्रिक्स थी स्टैटिस्टिक्स थी प्रोबेबिलिटी थी क्वेश्चन करेंगे बट प्रोबेबिलिटी टी आप लेवल बढ़ावा चेस्टा करूँ आउ से टाइप तीनटा ग्रीन कलर अच्छी चार्टा ग्रीन कलर अच्छी से टाइप तो बेसिक तो करेंगे बट हाई लेवल स्टैंडर्ड करने को चेस्टा करूँ जमी आप ओएमसी लेवल आसता से भाई स्टैंडर्ड कले ही आपर स्टेज रही है कि सब क्वेश्चन करेंगे तापर आसा रिजनिंग कौन से टेनसन ना रिजनिंग समस्त आपर बैबा से आप स्ट्रंग थाए रिजनिंग जहाँ जहाँ टॉपिक अच्छे पढ़ु बट रिजनिंग कौन से ना कि रिजनिंग समस्त स्ट्रंग थाए जदि आप रिजनिंग स्ट्रंग हो तो कन्वर्सेशन करूँ रिजनिंग क्लास स्टार्ट करेंगे ओके मुझ स्ट्रंग करदेवी रिजनिंग ये टेनसन नुंतनी तापर आप रहा इंग्लीश ये बहुत इंपोर्टां बहुत इंपोर्टां बहुत इंपोर्टां मुझ ओपीएस एस रंग्लीश हो ओपीएस एस रंग्लीश हो आप देखते गुगुल सब पढ़ गुगुल सब सर्च करके
ओके गूगल सब सर्च करके जो आप बड़ बड़ अथर अच्छा जो गोटे इंग्लीश आर्टिकल लिखते ओपीएस ओएस देखते पीवीएस एएस देखते सी कौन करना जो गूगल आप क्वेश्चन टाइप करेंगे आपको लगे गोटे गोटे आर्टिकल आने की छपे देखिए किसी डैश दे देते बुझिपाले तो गूगल जब आप पर्टिकुला किसी बड़ बड़ अथर ओके जमी आपण कह आप शशि थरूर होगा ओके एमान जो सब आर्टिकल लिखुं से आर्टिकल पर टिके ध्यान दिखते जहाद्वारा आप कौन ग्रामर ओके आपको देखिए से आर्टिकल दिला से कौन करते गोटे दी पेज एमती देस गोटे लास्ट को ब्लैंक दे दूसरी चार्ट ऑप्शन दे दूसरी ठीक कौन लगे तो सी कौन करना से सब आर्टिकल ओके आर्टिकल सब उठाऊँ जब आप आर्टिकल सिलेक्शन वाइज पढ़ुंट जब आप गोटे दिन आप गोटे भी करेंगे आप भावत तीस दिन में तीसटा आप सात मस दस आर्टिकल करदे मुझे आपको हर कहीं भी पारे जो आप फिलिंग द ब्लैंक्स दूँ हंड्रेड परसेंट से क्वेश्चन आप भावत कि कौन से बुक रु उठेब जमा भी उठेब नहीं लिखिक नहीं था मुझे लिखे दूसरी ओके आप ग्रामर ग्रामर तो आपंकर प्रिंट टू पारामाउंट गोटे एस एस सी बुक आसू सिंह जहाँ नीतू सिंह ना लुसेंट अच्छे जदि लुसेंट ना एसपी भी अच्छी जेकोसी तीन टा बुक भितर आप ग्रामर पढ़ी पारे क्या ग्रामर एरर भी आसो एंड प्रतिदिन रेगुलर आपर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आज ठू स्टार्ट कर दिखते पढ़ा प्रतिदिन दस दसटा पढ़ते आप टाइम अच्छे प्रतिदिन दस दसटा सिनोनिम्स एंड एंड ये कौट पढ़े आप एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ी पारे जहाँ भी सिनोनिम्स पचार एंड ये जनरल सिनोनिम्स पचार एससी जो बुक नहीं आसेंगे इंग्लीश तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ भी आप सिनोनिम्स पचार आपको घोषिक पानी करदे वन वर्ड सब्सक्रिप्शन होगा एंड इडियम ये सब एससी प्रीवियस ईयर इंग्लीश बुक जब आनी करेंगे बहुत आपको हेल्पफुल रहा है एससी प्रीवियस ईयर मुझे कह ओके घोषी पकात ओके बट इडियम गोटे पाठ होती मन रखा पड़ो इडियम टी मन रखिले आपकी घोषी देने की समय नहीं बट ठीक अच्छे पढ़ात एंड एसपी बक्सी जो एसपी बक्सी पचर जो इडियम्स एंड वन आवर सब्सक्रिप्शन अच्छे भी टी आप गोथ्रु हो जाते तो घोषिकी रखते हैं भाई ओके एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स आज टू दसटा करूँ ना ये विदाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भोका आप इंग्लीश केवल ग्रामर पढ़ी केवे भी 100 टू 100 परसेंट स्कोर करें ओनली 40 परसेंट स्कोर करेंगे यहाँ लिखे नहीं था भोकाब आप स्ट्रंग हाँ दरकार दरकार जेको एक्जाम दूसरे जो थे इंग्लीश अच्छे बुझिपाले एतिक मुझे डिस्कसन करदे एत पार्ट आपड़ा ओडिया तो आपदेली ओडिया ओडिया आपड़ी आपंकर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो क्लास 8 रु क्लास 10 जाए जो बुक अच्छी पढ़ु आपको पढ़ी सारापर गोटे सरस्वती पब्लिकेशन आसूरी बुक ओडिया प्राक्टिस ओके प्राक्टिस आनतु सरस्वती पब्लिकेशन क्लास 8 क्लास 10 आम ओडिशा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बही पूरा घोषिकी रखते ओडिया ओडिया एत टेंशन में ओडिया समस्ते बढ़िया स्कोर करती आपन मंथ जब 2 मंथ्स भी ओडिया को देवे ना ओडिया आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे एंड ओडिया मुझे जानी से कंप्लीटली गोटे पर्टिकुलर टॉपिक पचारे जमी समास कृदंत होगा तद्वित पद होगा किसी टॉपिक आप पढ़ी किसी घोषा इार से दरकार नहीं मिनिमम 5टा टॉपिक अच्छी जब आप भल कि पढ़ी जाइए आपको ओडिया शानदार मार्क आसो ये मुझे ग्यारंटी देपर से मो ऑनलाइन पिला क्लास कही ओडिया मुझे केवल 1 मंथ टाइम ने पढ़ाई एंड यही 5टा टॉपिक मुझे पढ़ेगी जदि से बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कोर करेंगे से ओके ओडिया ओडिया कहीं टेंशन एंड आपको कौन डाउट रहा पचारे कारण मुझे आगे बुक लिस्ट कहीदी एवं पढ़ा स्टार्ट कर दिखुं ये है आपको सेल्फ स्टडी एंड ये एंड जो मैंने कोचिंग जॉइन करा चाहते जो मैंने बेसिक्रु से स्ट्रंग अच्छे जो मैंने जानी ना क्लास कौन एंड ये जानना जदि जो मैंने इच्छा अच्छी कोचिंग जॉइन करने बाध्य किसी ना मुझे आपको सेल्फ स्टडी कहीदी मत यही नंबर में व्हाट्सअप करूँ ओके 8249769946 आपको कोर्स फीस हो 2000 रुपीज एसओ पाई एंड आदर आप सब जिन कवर हम ए टू जेड आपको जहाँ भी कवर हम एंड मुझक कौन हम ना अलरेडी आम रेकर्डेड भिडियो अच्छी ओके अलरेडी रेकर्डेड ताक भी पाइबे एंड एवं भी नुआ भिडियो आपलोड होगी पुणी से ही सब्जेक्टर एगेन एगेन अपलोड होके से ही भिडियो भी आपे मीनस गोटे लेक्चर आपंकर तीनटा भिडियो पाईगले एंड आपको आठ शानदार जिनस कई भी गोटे सब्जेक्ट तीन चार्टा भिडियो आपको देवे आप 8000 देने भी मिले बट मु मनी जेहेतु आम कष्ट करते तो 2000 रुपीज बनुचे कारण बहुत जिनस आगे अच्छे ट्रेसरीज अच्छी ये करें टाइपिंग करें मनी तो दरकार निहांती बट मुझे भी 8000-10000 के मागेनि बट मत एत भी मनी दरकार नहीं कि आपको ये लगे मुझे बहुत जब रही भल अच्छी बट जी एस्टिमेट वैल्यू आप देते कारण ए सब आप देखते गोटे गोटे जगह 15000-16000 भी नौते एंड मुझे जदि मो कोर्स आपको परचेज करेंगे जदि आप लस है आप मनी 100% मुझे आपको रिटर्न करी एंड आप मो भिड देखे जापरेंगे मुझे कौन पढ़ाए कौन लेवल में पढ़ाए ओके एति आप जानपरेंगे एंड आप बेसिक जहाँ भी दुर्बल थी चाहे इंग्लीश हो मैथ हो रिजनिंग हो सी आप मस्टरी एति मुझे ग्यारंटी दूसरी कारण सब जिन पूरा डीपली पढ़ाए आप इंग्लीश देखते मुझे भी आप आर्टिकल एमती नहीं कि बुक्रे जहाँ लिखाई आप घोषाई दे ना मुझे पूरा पिला सिखाए
ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କୋଚିଂ ଜର୍ଣ୍ଣି ଚଣ୍ଡି କରିପାରିବେ ଏପଟୁ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କହିଦେବା କଥା କହିଦେଲି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।